मुशहरी थाना क्षेत्र के चक अलहदाद निवासी मोहम्मद इमरान ने जिला उपभोक्ता आयोग में आवेदन देकर बिजली विभाग पर धोखाधड़ी और मानसिक प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि बिजली विभाग लगभग 3 वर्षों से उन्हें परेशान कर रहा है और उनके नाम पर 3 कनेक्शन जारी कर दिए। इस मामले में अधिवक्ता डॉक्टर एस के झा ने बताया कि बिजली विभाग की ओर से एक ही व्यक्ति के नाम पर 3 कनेक्शन जारी कर दिए गए। उपभोक्ता के पास जो पहला बिल आया उसे अदा कर दिया गया, लेकिन अगले महीने दूसरा और तीसरा तीनों बिल एक साथ आने लगे, इससे वो काफी परेशान है। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत बिजली विभाग एवं जिलाधिकारी को कई बार की, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब लगातार बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ता पर तीनों बिल जमा करने का दबाव बनाया जाता है। इसी मामले में उपभोक्ता मोहम्मद इमरान ने जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दर्ज कराया है। मामला यह है कि एक है मोहम्मद इमरान, जो कि चक अलहदाद थाना मुसहरी के रहने वाले हैं। इनका था एक्चुअली क्या कि इन्होंने बिजली का जो कनेक्शन लिए हुए था, तो इनका एक कनेक्शन तो सही रूप से चल रहा है। उसके बाद में क्या हुआ कि इनका जो बिजली बिल वगैरह जो आया, वह बिजली बिल 2 अलग और आ गया, जिसका वो कनेक्शन लिए भी नहीं है, लेकिन इनके नाम से आता है। तो ये जब देखें कि भाई एक कनेक्शन ऑलरेडी मेरे नाम पर चल रहा है, उसका हम नियमित रूप से बिजली का बिल का हम भुगतान कर रहे हैं, फिर 2 कनेक्शन आ रहा है अलग से, इसके लिए इन्होंने कई दफ़ा जो बिजली विभाग के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनसे ये लोग जा करके काफ़ी मिले। मिलने के बाद में जिलाधिकारी महोदय को कितना बार आवेदन भी दिए, लेकिन इनके मामला का निपटारा आज तक नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि एक कंज्यूमर है तो उसका 3 अलग अलग बिजली का बिल कैसे आएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। जिसका एक कनेक्शन, इन्होंने एक कनेक्शन जो ले रखा है उसका ये जो पर मंथ जो भी उनका जमा होता है वो पैसा ये लोग जमा करते हैं, और 2 इनका अलग से कनेक्शन आ गया, उस कनेक्शन को बंद करवाने के लिए, जो कि ये कनेक्शन लिए भी नहीं थे, ये काफ़ी परेशान होकर के लगभग हम समझ रहे हैं कि लोग 2 वर्ष तक बिजली विभाग के सभी पदाधिकारियों के यहाँ गुहार लगाते लगाते थक गए। उसके बाद में आज इन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में इनके द्वारा एक परिवाद पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें कुल 7 आदमी को इसमें पार्टी बनाया गया है। इसमें है प्रबंध निदेशक नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, निदेशक प्रोजेक्ट नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और निदेशक ऑपरेशन नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और महाप्रबंधक HR & Admin नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, DGM तिरहुत एरिया, और इसमें कार्यपालक अभियंता और इसमें कनीय अभियंता, ये 7 आदमी को इनके द्वारा पार्टी बनाया गया है। कोर्ट में आज परिवाद पत्र दाखिल हो गया, इस मामले की सुनवाई कल होगी न्यायालय में, और हमें उम्मीद है कि माननीय जिला उपभोक्ता आयोग में इनके जो परिवाद पत्र जो दाखिल किया गया है, इस पर कल कोर्ट जो है सो इसमें नोटिस वगैरह करेगी। और यह इसमें इनके साथ में एक और चीज़ ये था कि ये सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली एवं बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन समेत विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के बैनर तले प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना दिया। दफादार चौकीदार द्वारा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष राजेश्वर गिरी ने कहा कि पहले सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को उस पद पर बहाल किया जाता था, इसके अलावा अनुकंपा के आधार पर भी बहाली होती थी, लेकिन बिहार सरकार के चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 के बाद बहाली रोक दी गई। राजेश्वर गिरी ने ये भी कहा कि नियमावली 2019 में बदलाव किया जाए और पहले की ही भांति सेवानिवृत्त दफादार चौकीदार के आश्रितों को बहाल किया जाए। इसके साथ ही चौकीदार दफादार को SP का लाभ दिया जाए। जिन जिलों में चौकीदार दफादार को ACP का लाभ नहीं दिया गया, वहाँ विलम्ब ACP का लाभ दिया जाए। हम लोगों ने आज कमिश्नर के समक्ष राज्य स्तरीय धरने का आयोजन किया। जब तक हमारी मांग है पूरी नहीं होगी, हम लोग आंदोलन जारी रहेगा। हम लोगों की धरना कमिश्नरी स्तर पर पूरे बिहार में आज से शुरू हुआ है। सरकार ने चौकीदार दफादार की आश्रित की बहाली का आदेश दिया था, इसमें कुछ मशीनरी तंत्र की गड़बड़ी के चलते चौकीदार दफादार की आश्रित की बहाली नहीं हो रही है। बिहार सरकार के आदेश 11287/20/95 में स्पष्ट है कि चौकीदार को सेवानिवृत्त होने पर उसके आश्रित को ही बहाल किया जाएगा। 2019 में नियमावली बना करके चौकीदार दफादार की आश्रित की बहाली पर
रोक लगाया गया है जो 2019 के नियमावली को हटाया जाए और चौकीदारी मैनुअल में सुधार करते हुए आश्रित की बहाली किया जाए। अनुकंपा के आधार पर बहुत जिला में चौकीदार दफदार की आश्रित की बहाली नहीं हुई है। जिस जिला में चौकीदार दफदार की अनुकंपा पर बहाली नहीं हुआ है वहां विलंब बहाल किया जाए। बहुत जिला में एसीपी का भुगतान आज तक नहीं आया हुआ, बहुत जिला में एसीपी की भुगतान हो गया, जहाँ जहाँ एसीपी का भुगतान बाकी है वहाँ विलंब एसीपी का भुगतान कराया जाए। जहाँ चौकीदार के साथ अत्याचार हो रहा है वहाँ के थानेदार शोषण कर रहा है, वहाँ के थानेदार पर कार्रवाई हो। जैसे वैशाली के चौकीदार के साथ थाना प्रभारी पीटा पीटी किया था, चौकीदार दारू को बता दिया तो क्यों बताया, उसको मार दिया गया, वहाँ के थानेदार पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। मोतिहारी जिला में